नमस्कार, स्टाफ सोल्यूशन में आप सभी दोस्तों का, आप सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज क्या है, मैं फील्ड पर गया हुआ था आप लोगों के लिए वैकेंसी पता करने। लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके बावजूद मैंने सोचा कि कुछ निकला जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऑफिस वालों से मुलाकात हो जाए या किसी कंपनी वालों से मुलाकात हो जाए। तो दोस्तों, इसलिए जो है आज मैं फील्ड पर गया हुआ था। और खुशखबरी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि मेरा प्रयास सफल रहा। बहुत सारे कंपनी वालों से, बहुत सारे ऑफिस वालों से बात हो गई या तो मुलाकात हो गई। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी लेकर के आया हूँ। उसमें आप ये समझ लीजिए कि एक छोटी प्रोफाइल से लेकर के या टेलीकॉलर से लेकर के ऑफिस बॉय हो गया, प्यून हो गया, अकाउंटिंग हो गया, रिसेप्शन हो गया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस मैनेजर है, टेलीकॉलर्स है, काउंसलर है, मतलब लगभग हर सेगमेंट के लिए वैकेंसी मिली मेरे को और हर प्रोफाइल के लिए मिली। तो दोस्तों, आप लोग क्या है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने इंटरव्यू की तैयारी बना लीजिए, क्योंकि अभी क्या है, कंपनी वालों ने बोला हुआ है कि या तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का टेलीफोनिक इंटरव्यू करेंगे या तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुल जाएगा यानी कि रक्षाबंधन के बाद भी। लेकिन अभी ज़्यादातर कंपनी क्या कर रही है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू करके और घर से काम करने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन पता नहीं अभी कब तक चलता रहेगा। तो ज़्यादातर कंपनी वालों ने बोल दिया है कि भाई घर से काम करें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो ज़्यादातर कंपनी अभी यही चाह रही हैं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए, आप लोग जब भी किसी कंपनी में फ़ोन करें या जब भी किसी कंपनी में बात करें जॉब के लिए, तो क्या है, थोड़ा आप लोग दो तीन चीज़ों का ध्यान रखा करें। आप लोग फिर बाद में शिकायत करते हैं कि सर उन्होंने मना कर दिया, सर वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, सर फुल हो गई। देखिए क्या है, वैकेंसी फुल नहीं होती है और ना तो वहाँ पे ऐसी कोई बात रहती है। लेकिन होता क्या है, अब आप एक चीज़ सोचो, हम लोग चूंकि रिक्रूटमेंट कंपनी वाले हैं, रिक्रूटर हैं, हमें तो आप लोगों से पैसा मिलता है उल्टा। तो यार, जब भी कोई हमारे पास नए कैंडिडेट का फ़ोन आता है, जब भी किसी नए बंदे का फ़ोन आता है, अगर उसका बातचीत करने का तौर तरीका सही नहीं है या हमें उसके बात से ऐसा लगता है कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, तो हम ही लोग यार मना कर देते हैं जिसको उल्टा पैसा मिलना है। तो कंपनी वाले को तो आपको पैसा देना है, वो तो आपको सैलरी पे करेगा। अगर आपने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ही गलत डाल दिया तो यार मना करेगा, जाहिर सी बात है। और फिर आप लोग बोलते हो कि सर हमारी जॉब नहीं लगी। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में बात करें, अब हमारे पास कैंडिडेट फोन लगाएंगे, हेलो कौन बोल रहे हैं, अरे भैया फोन आपने किया है तो आप अपना परिचय देंगे। कहीं भी आदमी फोन करता है तो सबसे पहले क्या है, आप यार उसके यहाँ नौकरी के लिए फोन कर रहे हो, ये चीज़ तो सोचो आप कि आप उससे इंक्वायरी कर रहे हो। CBI जैसे आदमी जब कहीं फ़ोन करता है तो सबसे पहले उसको विश करता है, नमस्कार करता है या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी चल रहा है, तो पहले वो करोगे। और सर मेरा नाम ये है और मुझे सर इस बारे में कहीं से जानकारी मिली थी मेरे किसी दोस्त के थ्रू या कहीं से, तो सर थोड़ा सा इस रिगार्डिंग मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा था, अगर आप 5 मिनट का समय दे पाएँ तो बेहतर रहेगा सर। इस तरीके से जब आप दोस्तों किसी से बात करोगे तो यार अगर बंदे का मन नहीं भी होगा ना आपको बुलाने का, तब भी सोचेगा कि यार बंदा कितना सेंसियर है। और कभी भी किसी को फ़ोन लगाओ तो आप उससे बकायदा, अगर बड़ी कंपनी है, आप देख रहे हो गाड़ी चला रहा है या बंदा मूड में नहीं है बात करने के, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर लो या उससे पूछ लो कि सर ये आपसे बात करने का क्या सही समय होगा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो अगर सामने वाला बोल रहा है कि हाँ ठीक है बताइए, तब उसके सामने आप अपना प्रपोजल रखो, अपनी बात रखो। अब कैंडिडेट क्या करते हैं, इधर से फोन लगा, हेलो जॉब है क्या,
बंदे ने फोन काट दिया। लगता है कि पता नहीं कहाँ से किसने फोन लगा दिया यार, उसका भी दिमाग खराब हो गया। बंदा गाड़ी चला रहा है, सामने वाला कहीं बैठा हुआ है, कहीं मीटिंग में है। मतलब बातचीत करने का तौर तरीका जब तक आप नहीं सीखोगे, तब तक क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये कहानी, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, और इसको आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करके भी देखो, और इंटरव्यू में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। आपको लगता होगा, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले का एक वाकया बता रहा हूँ। मेरे पास दो बंदे आए थे, उन्होंने बोला सर हम ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले अभी वहां से छोड़ के यहाँ आ गए हैं। आए बढ़िया, यूं यूं शर्ट की बाहें ऊपर करके बढ़िया चूड़ा उड़ा कंगन वंगन पहने हुए। हमें तो लगा कंगन लड़कियां पहनती हैं, लेकिन आए फिर भी हमने, हाँ क्या है कैसा है। अरे मैंने खुद ही हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा जाओ भैया, कर चुके नौकरी आप लोग। तो यही चीज यार, आपने मतलब आप उसके पास नौकरी मांगने गए हो तो अकड़ में बात करोगे तो थोड़ी कोई नौकरी देगा। विनम्रता से, जो चीज विनम्रता से होती है, जो चीज प्यार से होती है, वो कोई काम कभी भी अकड़ में नहीं होता है। इसलिए कहीं पर भी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए बिना वजह के। हाँ आप कोई ऐसा है कि कहीं मान लो आपका कोई वो हो रहा है तो चलो ठीक है, बात अलग है, आप उससे पूछ सकते हो। लेकिन एक जो जेन्युइन तरीका होता है वो आप फॉलो करो, उस तरीके से आप बात करो बंदे सामने वाले से। और नहीं तो सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, आप फोन करो ही मत। आप तो सामने वाले कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना नाम लिखो, और कि हाय सर दिस इज सौरभ, गौरव, महेश, दिनेश, जो भी आपका नाम है वो लिखो, और आई लिव इन दिस सिटी सर, आई हैव सेंडिंग माई रिज्यूम फॉर दिस प्रोफाइल, है ना। इफ यू हैव रिक्वायरमेंट प्लीज गिव मी अ चांस फॉर इंटरव्यू, या इस टाइप का कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे अपनी भाषा में लिख करके और सामने वाले को रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पर। अब अगर सामने वाले को आपका रिज्यूम पसंद आ जाता है तो हो सकता है, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, हमारे पास कम से कम 50% 60% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस ट्रिक पे अगर काम करते हैं, तो मैंने देखा है कई बार उनको कंपनी की तरफ से सामने ऐसे फोन आ जाता है कि ठीक है आपने ये रिज्यूम हमें भेजा हुआ था तो हम आपको इस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्टेड करना चाह रहे हैं, आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो आप आ जाइए, आपको टाइम मिल जाएगा सामने वाली कंपनी से, आपको वहां से फोन आ जाएगा।